क्या आप एक फ्रेश थर्ड ऑफिसर हैं जो पहली बार जहाज पर जा रहे हैं? तो देखते रहिए इस शिक्षात्मक चलचित्र को, जिसमें मेरा नाम है सौरभ भट्ट, मैं आपका सलाहकार हिंदी में। जब आप पहली बार फ्रेश और थर्ड ऑफिसर जहाज पर जाते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, हैंड ओवर, टेक ओवर। जो पुराने थर्ड ऑफिसर होते हैं, वो अपनी सारी जानकारी आपको हैंड ओवर करते हैं और आप उनसे वो जानकारी टेक ओवर करते हैं। इतना समझ आया? इसके लिए कंपनी ने स्पेशली एक फॉर्म बनाया होता है, जिसे कहते हैं थर्ड ऑफिसर हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर फॉर्म। ये हर एक कंपनी में नहीं होता, और जिन कंपनीज में होता भी है, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से फॉलो भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत लंबा फॉर्म होता है। ये हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। लेकिन साइन ऑन और साइन ऑफ करने के लिए समय बहुत कम होता है। हो सकता है आपके साथ पुराना थर्ड ऑफिसर केवल 5 से 10 मिनट तक रहे और उसके बाद उसको शिप से जाना हो। तो ऐसे में क्या क्या चीजें हैं जिस चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा आते ही, कि क्या क्या जानकारी आपको सबसे पहले लेनी है? सबसे पहले आप थर्ड ऑफिसर से मिलते हैं, उनसे मांगिए चाबियां, कैबिन की चाबी, बॉन्ड स्टोर की चाबी, अगर वो बॉन्ड स्टोर इंचार्ज हैं तो। ज्यादातर शिप्स में थर्ड ऑफिसर ही बॉन्ड स्टोर के इंचार्ज होते हैं, कहीं कहीं में नहीं भी होते। तो ये चाबी लें और अन्य चाबियां लें, और इन चाबियों की कोई डुप्लीकेट चाबी है, स्पेयर चाबी है, वो भी पता करके रखें कहाँ है। इसके बाद थर्ड ऑफिसर आपको अपने कैबिन में ले जाएंगे, वहां पे आप अपना लगेज रखते हैं, अपना सामान रखते हैं, और इसके बाद आपको जाना चाहिए सीधा ब्रिज पे। ब्रिज पे आप जाते हैं तो आपकी मुलाकात होती है कप्तान से। कप्तान को आप कहते हैं, गुड आफ्टरनून सर, थर्ड ऑफिसर रिपोर्टिंग एनलिस्टिंग। कई कप्तान इतने महान होते हैं कि उन्हें ये अंग्रेजी समझ ही नहीं आती। अब कप्तान को समझ आए ना आए, आ जाए तो भी अच्छा, नहीं आए तो और अच्छा, ये सब शब्द बोल के आप उनसे पीछा छुटाएं और अब अपनी थर्ड ऑफिसर के साथ जाएं ब्रिज के कंप्यूटर पर। अभी आपको सबसे पहले आक्रमण करना है पेपर वर्क पर। पेपर वर्क एक प्रमुख कार्य होता है जिसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कंप्यूटर पे बैठे थर्ड ऑफिसर से पूछें क्या क्या पासवर्ड है। सभी कंप्यूटर्स के पासवर्ड उनसे ले लें, चाहे वो ब्रिज का कंप्यूटर है, चाहे वो शिप्स ऑफिस का कंप्यूटर हो, सारे पासवर्ड आप अपने पास रखें। उसके बाद उनसे पूछें कि कंप्यूटर में थर्ड ऑफिसर का फोल्डर कौन सा है। उस फोल्डर के अंदर जाएं, उनसे पूछें मंथ एंड पेपर्स वाला कौन सा फोल्डर है। मंथ एंड पेपर्स क्या होते हैं? महीने के अंत में हमें कुछ पेपर्स बनाने होते हैं और वो भेजने होते हैं डीपीए को या कंपनी को। ये हर महीने के अंत में हमें करना होता है। अभी कौन से पेपर्स हैं और पुराने पेपर्स कहाँ पे रखे हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कहाँ है और इनका फॉर्मेट क्या है। इसलिए थर्ड ऑफिसर से पूछें ये कहाँ है, फिर पूछिए पोर्ट पेपर्स कहाँ है। अब जब अराइवल डिपार्चर होता है तो कुछ पोर्ट पेपर्स हमें तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि क्रू लिस्ट, लास्ट एंड पोर्ट ऑफ कॉल्स वगैरह वगैरह। ये आप पता करके रखें, ये पुराने वाले कहाँ हैं, इनका फॉर्मेट क्या है, क्या लोकेशन है इन फोल्डर्स की कंप्यूटर के अंदर, ये पता करके रखें। इसके सिवा इन्वेंट्रीज, जितनी भी इन्वेंट्रीज हो, लाइफ बोट की इन्वेंट्री, रेस्क्यू बोट की, LSAFF इन्वेंट्री, एक्सपायरी लिस्ट इन्वेंट्री, जितनी भी इन्वेंट्रीज, जितनी भी लिस्ट हैं, वो सारी पता करके रखें कंप्यूटर में कहाँ सेव करके रखी है, ये सब आप पता करें। इसके बाद अब ये सारी चीज़ें भौतिक रूप में कहाँ है, ये सारी फाइल्स, फिजिकल फाइल्स कहाँ पे रखी हुई, जितनी भी ISM की, SMS की फाइल्स हैं, वो फिजिकल रूप में प्रिंट आउट करके निकाल के कहाँ रखी होती हैं, ये आप पता करके रखें। कंप्यूटर के अंदर ISM और SMS के फॉर्म्स और फाइल्स कहाँ पर हैं, लोकेशन क्या है इसकी, ये पता करके रखें। आपकी वीकली चेक्स क्या क्या हैं? हमारी वीकली चेक्स हर हर साप्ताहिक, हर सप्ताह के अंत में, या कह लें कि साप्ताहिक जांच हमें कुछ करनी होती है LSA और FFA से। तो आप उनसे पूछ के रखें कि इसकी चेकलिस्ट कहाँ है। इसके लिए एक खास चेकलिस्ट हर कंपनी बना के रखती है। हो सकता है ये चेकलिस्ट ना हो, पर आप पूछें क्या ये चेकलिस्ट है, यदि है तो ये कहाँ रखी हुई। इसके बाद आप पूछें सारी लॉग बुक्स LSA FFA से जो ताल्लुक रखती हैं, या जो भी आपकी जिम्मेदारी के अंदर आती हैं, वो सारी लॉग बुक्स कहाँ रखी हुई है। कई बार तो आधा समय इसी में निकल जाता है कि वो वाली लॉग बुक कहाँ रखी है, ये वाली फाइल कहाँ रखी है।
ये सारी आप अपनी नजर में रखें। जब ये काम हो जाता है तो अगर समय इजाजत देता है तो आप फेमिलियराइजेशन करें ब्रिज इक्विपमेंट्स की, पता करें ये वाला ब्रिज इक्विपमेंट क्या है, ये वाला कौन सा है, क्योंकि अलग अलग डिजाइन्स होते हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, इसलिए कई बार पहली बारी में हमें समझ नहीं आता, आप पता करके रखें यदि समय इजाजत दे तो। और यदि समय ना हो तो एक काम जरूर करें, आप पूछ के रखें सभी इक्विपमेंट्स के ब्रिलियंस डिमर बटन कहाँ पे। डिमर बटन क्या होता है, डिमर बटन दबाने से या तो इक्विपमेंट की जो चमक होती है बढ़ती है या घटती है, तो चमक नियंत्रण करने के लिए डिमर का प्रयोग करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पहली बार साइन ऑन किया और मुझे थर्ड ऑफिसर मिले इस प्रकार से मिले, उन्होंने मुझे पर्चा दिया एक जो कि थर्ड ऑफिसर हैंडिंग ओवर रिपोर्ट थी, और बोला कि मैं तो चला, और मैंने उस पर्चे को देखा और जब तक मुझे होश आया मुझे कप्तान ने ब्रिज पे बुला लिया, क्योंकि शिप सेल कर रहा था और रात का समय मतलब सारी सारी रोशनियाँ बुझी हुई हैं, तो मैं आ रहा हूँ, मैं ब्रिज पे आया हूँ, मैं समुंदर की ओर देख रहा हूँ तो ट्रैफिक बहुत है, बहुत सारी प्रकार की रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, उसी में अचानक से एक बड़ी प्रज्वलित प्रकार की रोशनी दिख रही है, वो क्या थी, कोई एक ब्रिज इक्विपमेंट था। अब मुझे डिमर ही नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे बार बार परेशानी हो रही है उस लाइट से, अब मुझे उसका डिमर ही नहीं मिल रहा उसकी लाइट कम करने के लिए। और इसी प्रकार से अब मैं कुछ पैनल्स को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रीडिंग्स ले रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता ही नहीं चल रहा, दिख ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उन पैनल्स की रोशनी बहुत ही कम थी। अब मैं उनका डिमर ढूंढ रहा हूँ, इसकी रोशनी बढ़ाऊँ और वो जो रोशनी मुझे परेशान कर रही है उसकी रोशनी घटाऊँ, तो ऐसे रोशन रोशन करते ही वॉच निकल गई लेकिन मुझे पता नहीं लगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आप पता करके रखें डिमर पॉइंट्स, जब आप ये कर लेते हैं इसके बाद आप जाइए रिक्रिएशन रूम, रिक्रिएशन रूम में आप जाते हैं, रिक्रिएशन रूम या मेस रूम, अगर रिक्रिएशन रूम आपका आपके शिप में ना हो तो मेस रूम में आप पता करें, रिक्रिएशन रूम या मेस रूम में आप पता करें कि फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग मैनुअल या LHAFFA इंस्ट्रक्शन मैनुअल या फायर एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहाँ पे रखा हुआ है। ये LHAFFA इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या होता है, ये एक किताब होती है जिसमें सारे निर्देश होते हैं कि LSA और FFA का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। यदि ये पढ़ेंगे तो बहुत ही सरलता से हमें समझ आ जाता है कि इस मशीन को या इस इक्विपमेंट को कैसे चलाना है, तो ये पता करके रखेंगे रखी कहाँ पे है। ये रिक्रिएशन रूम में होती है अधिकतर, लेकिन रिक्रिएशन रूम में कहाँ रखी है पता करके रखें। उसके बाद रिक्रिएशन रूम में पता करें कि आपके जहाज पे वीडियो टेल है या नहीं। वीडियो टेल क्या होता है, ये एक शिक्षात्मक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको ट्रेनिंग वीडियोस दिखाता है। थर्ड ऑफिसर के इसमें अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थर्ड ऑफिसर को कुछ एंट्रीज करनी होती है इसमें, आप पता करें आपकी जिम्मेदारी में क्या क्या काम आता है वीडियो टेल में, क्या क्या एंट्रीज करनी है और वीडियो टेल का पासवर्ड क्या है, ये आप पता करके रखें। ये हो जाता है, इसके बाद आप जाइए बोट डेक पे, बोट डेक पे जाते हैं लाइफ बोट के पास, लाइफ राफ्ट के पास, उनकी नज़दीक की दीवारों को देखें क्या वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पोस्टर्स लगे हुए हैं, निर्देश देने वाले चित्र चिपके हुए हैं या नहीं। कोई भी मशीन हो उसके निकट कोई ना कोई निर्देश चित्र चिपका होता है ताकि हम पढ़ के समझ लें कि इस मशीन को चलाना कैसे। अब वो चित्र लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ आप ज़रूर अपने थर्ड ऑफिसर से पूछें कि लाइफ बोट लोअर कैसे करते हैं, लाइफ राफ्ट को लॉन्च कैसे करते हैं, लाइफ बोट लोअर कैसे करते हैं, ये दोनों चीज़ें आप अपने थर्ड ऑफिसर से ज़रूर पूछें। अब कई बार ऐसा लगता है कि पूछने की क्या ज़रूरत है, समय पहले ही कम है, ये तो मैं निर्देश वाले चित्रों को पढ़कर समझ सकता हूँ, फायर एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ के समझ सकता हूँ, लेकिन जब समय बुरा हो तो पढ़ के भी समझ नहीं आता, इसलिए ज़रूर पूछें पूछें। जब आप ये कर लेते हैं फिर आप डेक की ओर बढ़ें, डेक में आप सबसे पहले पूछें जितने भी एक्स्ट्रा LHAFFA आइटम्स हैं वो कहाँ हैं, जितने भी अतिरिक्त सामान हो, एक्स्ट्रा LHAFFA आइटम्स, एक्स्ट्रा IMO सिंबल्स स्टिकर, एक्स्ट्रा टॉर्च और कोई भी इक्विपमेंट जो आपके अंडर आती है वो एक्स्ट्रा कहाँ पे रखें, कौन से स्टोर रूम में रखें, ये आप पता करके रखें।
फिर आप पता करें एलएसए और एफएफए में बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं जिसकी आपको समय समय पर टेस्टिंग करनी होती है, जैसे फायर होल्स, स्प्रिंकलर्स वगैरह वगैरह। तो आप पूछ के रखें कि कौन से इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग हो चुकी है और कौन से इक्विपमेंट की टेस्टिंग करनी है। अब जो हो चुकी वो कब हुई, क्या उसका कोई रिकॉर्ड बनाया हुआ है, लॉग बनाया हुआ है? अगर लॉग बनाया हुआ है तो वो कहाँ है? अगर नहीं बनाया हुआ, कभी ऐसे भी हो सकता है कि रिकॉर्ड तो कोई नहीं बनाया लेकिन मैंने स्टेंसिल छापा हुआ है। स्टेंसिल आप समझते हैं कि दीवार पर जो भी लिखा रहता है पेंट से, उसको स्टेंसिल कहते हैं। तो कई बार रिकॉर्ड नहीं बनाया होता, सिर्फ दीवार पर चिपकाया होता है, क्योंकि हो सकता है उसने रिकॉर्ड घुमा दिया हो या उनके ध्यान में ना हो रिकॉर्ड कहाँ है। अगर रिकॉर्ड है तो पता करें रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी कहाँ है, फाइल, भौतिक रूप में फाइल, और इसकी सॉफ्ट कॉपी कहाँ है, कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे ये फाइल सेव है, ये पता करके रखें। अगर नहीं है तो स्टेंसिल को पढ़ें और नोट करके रखें, क्योंकि स्टेंसिल मिट जाते हैं ये आपको। फिर आप बढ़िए BSH की तरफ, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस। देखिए, पूछिए क्या वो फुली चार्ज है या नहीं। अगर चार्ज नहीं है तो इसे चार्ज कैसे करते हैं, कंप्रेसर का प्रयोग कैसे करते हैं इसकी चार्जिंग के लिए, क्योंकि अलग अलग कंप्रेसर होते हैं, अलग अलग मॉडल होते हैं। आप उनसे सीखें कि कंप्रेसर से बीए बॉटल्स को रीफिल कैसे करते हैं, कैसे इन्हें चार्ज करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप पूछ के रखें। फिर आप पूछें कि थर्ड ऑप्शन, क्या आपने कोई डिफेक्ट लिस्ट बनाई है, क्या आपने कोई लिस्ट बनाई है कि कौन सा सामान खराब है, कौन सा सामान हमें नया ऑर्डर करना है, कौन सा सामान एक्सपायर्ड है या कौन सा सामान एक्सपायर होने वाला है, क्या आपने ऐसी लिस्ट बनाई है। अगर उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई तो उनसे आप मौखिक रूप में पूछ लें ऐसा कौन सा सामान है, और उसे नोट करें, एक्सपायरी वाला भी और जिसकी आवश्यकता है वो भी, और फिर जिसमें खराबी हो। और डिफेक्ट लिस्ट की बात करते हैं, मतलब जो जो सामान खराब है, आपको पता लग गया कि ये सामान खराब है, अब उसको भौतिक रूप में जाकर देखें आंखों से कि खराबी किस प्रकार की है और किस जगह पर है। ये सब करें अगर समय इजाजत दे तो, और यदि समय और है तो डेस्क का पूरा एक राउंड मारें, सारा सामान सब कुछ समझें, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ रखा है, कौन सा सामान कहाँ है। और अगर समय और है तो फिर आप एक काम करें, आपकी कंपनी का जो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर फॉर्म है इसी के थ्रू फॉलो करें, अगर समय ज़्यादा हो, नहीं तो ये सारे काम करें। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहा हूँ, ताकि आप ये इसके नोट्स भी बना के ले जा सकते हैं, साइन ऑन के टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंडिंग ओवर रिपोर्ट कंपनी की नहीं है या रिपोर्ट बहुत लंबी है और आपको ये सारा काम संक्षिप्त में करना है। मेरा नाम है सौरभ।